प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत योजना के तहत 2000 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए। इनमें 553 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट शामिल है। प्रोजेक्ट्स में स्टेशन पर रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके सुविधाओं में सुधार करना शामिल है। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अमृत भारत स्टेशनों में 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के काम होंगे। इनमें सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला और अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा 24 राज्यों में लगभग 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज की प्रोग्राम नए भारत के नए वर्क कल्चर का प्रतीक है। आज भारत जो भी कर रहा है वह अप्रत्याशित रफ्तार से कर रहा है। आज के भारत ने छोटी चीजों का सपना देखना बंद कर दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। ये नए विकसित भारत का संकल्प है। रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर भारत में बनने वाले 92 आरओबी में से उत्तर प्रदेश के 56, हरियाणा में 17, पंजाब में 13, दिल्ली में 4, हिमाचल प्रदेश में 1 और जम्मू कश्मीर में 1 ब्रिज शामिल है। लखनऊ मंडल में इनकी संख्या 43, दिल्ली में 30, फिरोजपुर में 10, अंबाला में 7 और मुरादाबाद में 2 हैं। 6 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई अमृत भारत स्टेशन योजना के देश भर के 1300 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान बनाकर सुविधाओं को बढ़ाया जाना है। इन्हीं सुविधाओं में वोटिंग रूम, कैफेटेरिया, रिटेल सुविधाएं शामिल हैं। इनके अलावा स्टेशनों पर दिव्यांगजन के लिए भी कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। अभी तो इस सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ आईआईटी, आईआईएम जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड ओवरब्रिज, अंडरपास इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी, तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के हैं। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों ने अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले हैं। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है।